और ऐसी सेमिनारों की 100 टिकट ले लेना, उस लीडर जैसे बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यहां बिजनेस करने आए हैं, ये बिजनेस है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी। कभी बिजनेस के रूप में सोचा ही नहीं आप लोगों ने, ये है क्या? बड़ा अजीब सा लगता है बिजनेस। जब मुझे एक साथी प्लान दिखाने आया था तो वो उसने मेरे से बोला, सर आपका 25 मिनट चाहिए। मैंने कहा ओके, मैं तो फिर ही हूं भाई। तो जब उसने शुरू की 10 मिनट मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है। जब उसने अगले 10 मिनट बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है? और जब उसने लास्ट के 10 मिनट में बात जो बताई मुझे, मैंने कहा फेंक रहा है भाई, बड़ी बड़ी बता रहा है, तो झूठी बोल रहा होगा। लाखों आती है, करोड़ों आती है, यहां जॉब नहीं मिल रही, लोगों को लाखों करोड़ों की बात कर रहा है। सही है, ऐसा ही लगता है शुरुआत में, क्योंकि मेरे पिताजी ने नमक खरीदा, मेरे दादाजी ने खरीदा और उनके पिताजी ने खरीदा, खरीदते खरीदते वो ऊपर पहुंच गए। आज तक बैंक बैलेंस में कुछ नहीं आया और वो हमें बता रहा था कि यहां से नमक मिर्च खरीदने से पैसा आता है। तो कैसे विश्वास कर रहे हैं नया आदमी? तो मैं तो आपके जैसा ही भाई हूं, कुछ गलत सोचा क्या मैंने? ऐसा ही लगता है ना शुरुआत में। लेकिन एक चीज और थी, फिर मैंने सोचा, क्योंकि वो बताने वाला मेरा अपना था, मैंने सोचा अगर यार ये बता रहा है कि यहां नमक मिर्च लेने से पैसा आता है, ले तो रहे ही है। अच्छा एक बार पूछ ले कितने लोगों के घर में नमक मिर्च आता है, थोड़ा बता दो, किसी भी कंपनी का? अच्छा सभी के में आता है, ज्यादातर जो इंसान है उनके में तो आता ही है। बहुत बढ़िया,